इधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मुख्य सचिव उषा शर्मा से मिलने के बाद फिर से धरने पर बैठ गए हैं और अब की बार धरना प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के आवास पर है। दिलचस्प ये है कि मंत्री राजेंद्र गुड़ा को आवंटित बंगले में लंबे समय तक किरोड़ी लाल मीणा रहे हैं। धरने पर रेट परीक्षा के पेपर लेकर जा रहे मृतक कंटेनर चालक की पत्नी भी साथ है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बताया है कि मुख्य सचिव ने उनकी मांगों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं दिया, केवल गुमराह करती दिखी, गोलमोल बात करके मामले को डालने की कोशिश की गई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि पीड़ित महिला की मांगे वाजिब हैं, अशोक गहलोत सरकार प्रत्येक पीड़ित के साथ है, उसे मुआवजा दिलवाने की कोशिश रहेगी। रीट पर बवाल जारी है और किरोड़ी लाल मीणा का धरना भी। ऐसे में अपने उसी पुराने बंगले पर आए हैं जो मंत्री पद पर रहते हुए इनके पास था और अब ये बंगला तस्वीर के दूसरी तरफ दिख रहे मंत्री राजेंद्र गुड़ा के पास है। पहला सवाल किरोड़ी लाल मीणा जी से ले लेते हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं आप? बड़े अधिकारियों ने कल कहा था ये रामनिवास जी की विधवा हैं मनीष झुंझुनू की, कि आपने जो प्रस्ताव रखा है उससे संतुष्ट हैं और कल पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे जी। मैं इनको लेकर आज मुख्य सचिव महोदय से मिला था तो उन्होंने संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया, तो तय ये किया कि ये मतदाता हैं माननीय राजेंद्र जी गुढ़ा के, जो मंत्री जी भी हैं, इनके विधायक भी हैं, वहाँ चलते हैं। इस विश्वास के साथ हम मंत्री जी के बंगले पर आए। ऐसा क्या जवाब दिया जो आपको संतोषजनक नहीं लगा? हमने कहा था कि मैंने मेरे इलाके में ऐसे दो प्रकरणों में आर्थिक मदद दिलाई है, नौकरी दिलाई है और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी कराई है, और आपको जानकारी में है गुर्जर आंदोलन में भी ये पैकेजेस दिए गए हैं, कोई नई मांग हम रख नहीं रहे। तो उन्होंने ये कहा कि बात करूंगी, तो बात कर लो, हम बैठे हैं मंत्री जी के घर पे, मंत्री जी ने भी चीफ सेक्रेटरी से बात कर ली है। चलो तो मंत्री जी से ही पूछ लेते हैं अब, चूंकि मतदाता एक तरीके से राजनेता के लिए भगवान होता है और आपके बंगले पर राजनेता भी हैं और मतदाता भी है और आप खुद मंत्री हैं, आपकी ही सरकार के खिलाफ आरोप भी लग रहे हैं। देखिए ये डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा तो यहाँ लंबे टाइम तक रहे हैं यहाँ, और दूसरी बात है कि ये रामनिवास जाट जो हमारे जो ड्राइवर था पेपर जो लेके आ रहे उसमें, तो उनकी विधवा जो है वो हमारे यहाँ आई है, तो इसको न्याय मिले। इनका मेरे से मिलना हुआ नहीं, मैं सैटरडे संडे को जाता हूँ लेकिन नहीं मिल पाया मैं भी और ये भी नहीं मिल पाई। और किरोड़ी लाल जी ने ये प्रयास कर रहे हैं कि तो मैं तो इनको धन्यवाद दे रहा हूँ, इन्होंने इस महिला की मदद करने का जो भाव है। अंतिम जवाब ले लेते हैं क्योंकि विधानसभा भी चल रही है इस दौरान, और कहते हैं कि रीट में कई बड़े ऐसे किरदार हैं, ऐसे में तुरंत रद्द किया गया और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई। देखिए 26 लाख नौजवानों के भविष्य का फैसला है ये, और ये राजस्थान का जो नौजवान इस टाइम में भयंकर बेरोजगारी से जूझ रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर चली गई है, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, न इसमें पक्ष विपक्ष बीजेपी कांग्रेस कुछ भी नहीं होना चाहिए, नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए। ये जो जिस तरीके से हमारी एग्जाम है, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, वो एक संदेह के घेरे में आ गया। अब कोई बच्चा तैयारी करता है, कितनी भी तैयारी करता है, उसको पूछते हैं कि क्या तेरा क्या हो जाएगा, तो वो कहता है पता नहीं, जब पेपर ही बाहर आ जाते हैं तो हमारी तैयारी क्या करेगी। इसमें लोगों में एक निराशा का भाव आ रहा है।